नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप टोस्ट कंसेप्ट देखा, टोस्ट हाइड एंड शो कंसेप्ट देखा, कैसे आप आपके वेबसाइट में हाइड एंड शो टोस्ट कंसेप्ट यूज कर सकते हो। उसके हमने कुछ क्लासेस देखे, वो क्लासेस किस तरीके से आप आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो और उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन भी कैसे आएगा, उसका एक्चुअल लुकआउट भी कैसे आएगा, वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। फिर बाद में कैसे आप आपके वेबसाइट में शो एंड हाइड टोस्ट ये कंसेप्ट डिफाइन कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर भी था, उसके हमने कुछ क्लासेस भी देखे थे। फिर बाद में उसके कुछ एट्रीब्यूट भी थे, वो एट्रीब्यूट किस तरीके से आप आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो दोस्तों। फिर बाद में एक्चुअली उसका भी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आता है कि फिर बाद में टोस्ट और शो एंड हाइड टोस्ट इसका मेन डिफरेंस क्या रहता है, वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज हम वीडियो में बूटस्ट्रैप स्क्रॉल स्पी ये कंसेप्ट देखने वाले हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 ने स्क्रॉल स्पी ये कंसेप्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया दोस्तों। ये कंसेप्ट यूज करके आप आपके वेबसाइट में स्क्रॉल में कुछ नेविगेशन आपको डिफाइन करना है, कुछ अगर आपको फिक्स नेविगेशन अगर आपको आपके वेबसाइट में अगर रखना है और स्क्रॉल्स पे ये कंसेप्ट अगर यूज करना है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 ने स्क्रॉल्स पे ये कंसेप्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ये कंसेप्ट यूज करके आप आपके वेबसाइट में स्क्रॉल्स पे कंसेप्ट भी दिखा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। स्क्रोल्स बी इज यूज टू ऑटोमेटिकली अपडेट लिंक्स इन अ नेविगेशन लिस्ट बेस्ड ऑन स्क्रोल पोजिशन। इसमें इन्होंने इसके डेफिनेशन में दिया दोस्तों, अगर ये कंसेप्ट आप आपके वेबसाइट में यूज करते हो तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली अपडेट लिंक्स आप आपके नेविगेशन में, आप आपका जो नेविगेशन बार रहेगा उसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। मतलब एक्चुअली होगा क्या दोस्तों, आपका जो नेविगेशन बार रहेगा वो फिक्स रहेगा टॉप पे, फिर बाद में जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल होने के बाद में आपका जो नेविगेशन रहेगा वो फिक्स ही रहेगा वहाँ पे, पर आपके जो सेक्शंस रहेंगे, जो आप नेविगेशन में सेक्शंस वगैरह ऐड करोगे, जो भी आप मेन्यू उसमें लिस्ट आउट करोगे, तो मेन्यू क्या होंगे दोस्तों, मूव हो जाएंगे वन बाय वन। मतलब जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आप फर्स्ट मेन्यू पे हो तो फर्स्ट पे, फिर बाद में जैसे आपने स्क्रॉल किया फिर बाद में आप सेकंड मेन्यू पे चले जाओगे, फिर बाद में जैसे आप स्क्रॉल करोगे फिर बाद में थर्ड मेन्यू पे, फोर्थ मेन्यू पे, ऐसे ये यहाँ पे लिस्ट आउट इन्होंने ये स्क्रॉल्स पे ये कंसेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। मतलब क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो अपडेट लिंक्स रहेंगे आपके, आपके जो आप जो भी लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लिंक पे आप मूव होते हुए दिखेंगे दोस्तों आपको। तो इस टाइप में इसका जो लुकआउट रहता है, इस टाइप में इसका एग्जाम्पल आता है दोस्तों। इसमें इन्होंने कुछ क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए, यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया दोस्तों। जैसे ही आप ये कंसेप्ट आपके वेबसाइट में यूज करते हो, जैसे आप ये कंसेप्ट आपके वेब पेज पे यूज करते हो, तो इस टाइप में इसका जो लुकआउट रहता है, इस टाइप में इसका जो एग्जाम्पल रहता है वो आपके वेबसाइट में आ जाता है दोस्तों। इस साइड में आपका जो स्क्रॉल रहता है वो रिप्रेजेंट भी हो जाता है। मतलब जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद में एक्चुअली क्या होगा दोस्तों, जो आपका बॉडी के अंदर का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली मूव होता हुआ दिखेगा दोस्तों आपको। फिर बाद में जो आपके सेक्शंस रहेंगे वो फिक्स ही रहेंगे। सेक्शंस एक्चुअली होगा क्या दोस्तों, जैसे आप ये सेक्शंस पे क्लिक करोगे, सेक्शन 2 और 3 पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो स्क्रॉल रहेगा वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। मतलब वो सेक्शन 3 और सेक्शन 2 में वहाँ पे आपको शो, मतलब वहाँ पे आपको मूव होता हुआ दिखेगा दोस्तों, मतलब वहाँ पे वो मूव हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से अगर आपको आपके वेबसाइट में स्क्रोल्स पी कंसेप्ट अगर यूज करना है तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने हाउ टू क्रिएट स्क्रोल्स पी ये यहाँ पे कुछ क्लासेस भी दिए दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने ये क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट में स्क्रोल्स पी कंसेप्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू क्रिएट अ स्क्रोल्स भी, यहाँ पे मैंने इसके कुछ क्लासेस भी दिए दोस्तों। ये क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट में स्क्रोल्स भी कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो दोस्तों, रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपली अगर आपको आपके वेबसाइट में स्क्रोल्स भी कंसेप्ट अगर डिफाइन करना है, स्क्रोल्स भी कंसेप्ट अगर यूज करना है, तो यहाँ पे सिंपली बूटस्ट्रैप ने कुछ क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किए। आपको बॉडी टैग के अंदर डेटा डैश पी ये आपको एट्रीब्यूट ये लेना मैंडेटरी रहता है। इसमें यहाँ पे मैंने स्क्रोल इसमें एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। फिर बाद में डेटा डैश टारगेट के अंदर यहाँ पे मैंने डॉट नाउबार ये यहाँ पे मैंने क्लास यहाँ पे प्रोवाइड किया दोस्तों। फिर बाद में डेटा डैश ऑफसेट में यहाँ पे मैंने 50 यहाँ पे मैंने ऑफसेट ये एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज किया दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैंने नेविगेशन के अंदर एंकर टैग के अंदर जो भी आपको आपके नीड के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको कंटेंट डालना है, यहाँ पे मैंने ये कमेंट में दिया दोस्तों। अगर आपको जो भी कंटेंट आपको आपके स्क्रोलेबल एरिया में डालने हैं तो यहाँ पे आप स्क्रोलेबल एरिया में कंटेंट भी डाल सकते हो दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैंने नाउ टैग के अंदर क्लास लिया है नाउ बार डैश एक्सपांड, फिर बाद में एसएम, फिर बाद में इसको बैकग्राउंड कलर डार्क यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आपके नीड के हिसाब से आप यहाँ
एमडी भी क्लास यूज कर सकते हो। एमडी मतलब मीडियम डेस्कटॉप। अगर आपको लार्ज स्क्रीन में आपका जो मेन्यू रहेगा, आपका जो स्क्रॉल स्पीड कंसेप्ट रहेगा, अगर आपको लार्ज स्क्रीन में वो दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ पे एलजी और एक्सेल ये क्लासेस भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बीजी डार्क किया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफाइन किया है आपके नीड के हिसाब से। आप यहाँ पे मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन भी इसको प्रोवाइड कर सकते हो, मल्टीपल कलर के क्लासेस भी इसको दे सकते हो दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैंने नाउ बार डैश डार्क, फिर बाद में फिक्स डैश टॉप, यहाँ पे मैंने इसको फिक्स डैश टॉप ये क्लास यहाँ पे रिप्रेजेंट किया दोस्तों। जैसे आप ये क्लास आपके वेबसाइट में आपके नेविगेशन टैग के अंदर जैसे आप यूज करते हो, तो आपका जो नेविगेशन बार रहता है वो टॉप पे फिक्स हो जाता है। मतलब जब भी आप स्क्रॉल करते हो, तो स्क्रॉल करने के बाद में आपका नेविगेशन बार जो रहेगा वो वहाँ पे स्टेबल रहेगा, वहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आपको आपके वेबसाइट में फिक्स नेविगेशन बार भी अगर दिखाना है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने फिक्स डैश टॉप ये क्लास यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ये क्लास यूज करके आप आपके वेबसाइट में स्क्रॉल स्पीड में आपका जो नेविगेशन बार रहेगा उसको आप फिक्स में दिखा सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे मैंने यूएल टैग के अंदर क्लास लिया है नेविगेशन नाउ बार डैश नाउ। फिर बाद में एलआई के अंदर यहाँ पे मैंने हैश के अंदर सेक्शन वन, मतलब यहाँ पे मैंने इसको आईडी यहाँ पे प्रोवाइड किए दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप इस सेक्शन वन पे क्लिक करोगे, तो सेक्शन वन पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपका सेक्शन वन रहेगा वो आपके सामने वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आप सेक्शन टू पे क्लिक करोगे, तो आपका जो सेक्शन टू रहेगा आपके सामने वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब आपको वैसे अलग से पेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्क्रॉल रहेगा ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा और वो आपको सेक्शन पे लेके जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आपको आपके वेबसाइट में स्क्रॉल स्पीड कंसेप्ट अगर यूज करना है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप में अलग अलग यहाँ पे आईडी आपको आपके वेबसाइट में यूज करने पड़ते हैं। आपको आपके वेबसाइट के एंकर टैग में यहाँ पे आईडी पास करने पड़ते हैं दोस्तों। जैसे आप ये आईडी आपके वेबसाइट में आपके सेक्शन में पास करते हो, तो आपका जो स्क्रॉल स्पीड कंसेप्ट रहता है वो ऑटोमेटिकली आपके सेक्शन पे मूव हो जाता है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ यहाँ पे कंटेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया दोस्तों। आपके नीड के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे कंटेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। आपको जो भी कंटेंट आपके सेक्शन में रिप्रेजेंट करना है, जो भी कंटेंट आपको आपके वेबसाइट के सेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करना है, आपको दिखाना है, तो यहाँ पे स्क्रॉल स्पीड है, ये कुछ कंटेंट है, और यहाँ पे कुछ क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ये क्लासेस और ये टैग्स यूज करके आप आपके वेबसाइट में स्क्रॉल स्पीड कंसेप्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने देखा बूटस्ट्रैप फॉर स्क्रॉल स्पीड कंसेप्ट, कैसे आप आपके वेबसाइट में स्क्रॉल स्पीड कंसेप्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने इसके कुछ क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। इस स्ट्रक्चर यूज करके आप आपके वेबसाइट में स्क्रॉल स्पीड कंसेप्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको इसके कुछ क्लासेस भी यूज करने हैं, तो ये क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट में स्क्रॉल भी कंसेप्ट भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। तो इसका जो लुकआउट रहता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया है, इस टाइप में इसका जो लुकआउट रहता है, इस टाइप में इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहता है दोस्तों, वो आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको आपके वेबसाइट में स्क्रॉल स्पीड कंसेप्ट अगर यूज करना है, इसका एक्चुअल यूज क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली अपडेट लिंक्स। अगर आपको आपके वेबसाइट में अलग अलग पेजेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं चाहते कि अलग अलग पेजेस क्रिएट हो, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने स्क्रॉल पी ये कंसेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ये कंसेप्ट यूज करके आप आपके सिंगल पेज में ही अलग अलग लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अलग अलग लिंक्स यहाँ पे आप आपके मेन्यू के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा।